फ्रेंड्स, आज AMD 7000 लॉन्च का इवेंट है। आई मीन लॉन्च तो हो गया, कुछ AMD की तरफ से इवेंट है, चलो देखते हैं। तो भाई ये है यार AMD का अल्टीमेट लॉन्च इवेंट। आई मीन 7000 के जो ग्राफिक कार्ड और 7000 के प्रोसेसर, दोनों के बारे में AMD टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया। हालांकि वो आप स्किप कर सकते हो AMD का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट में। AMD का ग्राफिक कार्ड क्यों बेस्ट है उसके बारे में आप जान सकते हो। AMD ने अल्टीमेट सीरीज के जो 5 नैनोमीटर के चिप वाले 7000 सीरीज के प्रोसेसर के अलावा AMD 7900XTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड भी लाए, जो कंपिटेटिव ब्रांड से ऑलमोस्ट 50-60% हायर परफॉर्मेंस और 30% लेसर प्राइस पे रहेंगे। चलो देखते हैं वीडियो एंड तक, देखना कैसा रहता है। AMD का टाइम ऑफ ग्राफिक कार्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हो 6400 Ryzen, 6500 Ryzen, Threadripper, एवरीथिंग। AMD का न्यू बीस्ट प्रोसेसर आपका 7600X सीरीज। यार क्या बोलूं आपको, AMD के अंदर आपका वर्कलोड को इतना सिंप्लीफाई कर देता है। 7600X जो है ना, ऑन द बॉक्स मिनिमम 4.7 अप टू टर्बो बूस्ट 5.3 गीगाहर्ट्ज से 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है, DDR5 सपोर्ट करता है भाई। इसके अंदर अगर आप एक्सट्रीम सीरीज का मदरबोर्ड लेते हो, इवन B5 650 या 670E सीरीज का मदरबोर्ड लेते हो, PCI Express Gen 5.0 GPU 5.0 SSD भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा 7600, 7700, 7900, 7950X सभी प्रोसेसर इन स्टोर सुपर कंप्यूटर में अवेलेबल है। ग्राफिक कार्ड भी अभी 7900, 7900XTX सीरीज का शॉर्टली मेरे स्टोर पे आएंगे। Whatever context, detail, technical, whatever it is, his choice about the AMD, about the AMD processors, about the new novel which has been done. Whatever you feel, we want to have some input from you for the next 2 minutes. You can be patient. Hello, मेरा नाम किशन है, मेरा स्टोर सुपर कंप्यूटर लैपटॉप SP रोड में लोकेटेड है। चलो AMD का जो प्रोसेसर है, मैं जब 2010 में आया था तब से देख रहा हूँ, हर स्टोर पे AMD प्रोसेसर नहीं दिखता था, लेकिन आज ऐसा स्टोर या ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर AMD नहीं दिखता है। इसका रीजन ये नहीं है कि AMD के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, AMD समय के साथ में चेंज हुआ है। एक पहले कंटेंट क्रिएटर या गेमर आता था, उसके दिमाग में रहता था कि यार मुझे ये वीडियो एडिटिंग करना है जिसके अंदर हाई एंड सिस्टम की जरूरत है, तो वो पहले स्टिक होता था इंटेल में 4i3 i5 i7। तो AMD के अंदर रीजन ये हुआ है कि आपको परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा दे रहा है और प्राइस टू वर्थ है नहीं है। ये भी नहीं है कि यार प्राइस के हिसाब से उन्होंने कम रखकर कस्टमर को कन्विंस किया, वैसा कभी उसमें हुआ नहीं है। और सेलर्स इसीलिए AMD को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि AMD इज एडवांसड टेक्नोलॉजी आती है। वो रीज़न ये है कि जैसे कि इंटेल के अंदर अभी कोर i9 13th जनरेशन लॉन्च हुआ है, और AMD के अंदर जो 5950X जो 1-1.5 साल पहले ही लॉन्च हो गया था, जो 5 नैनोमीटर पे है, अभी भी इंटेल 7 नैनोमीटर जो भी है 9 नैनोमीटर पे है। और इसीलिए लोग AMD पसंद कर रहे हैं कि AMD के अंदर जो न्यू रियल कोर है वो 16 कोर्स है, और इंटेल के अंदर 8 कोर्स परफॉर्मेंस रहते हैं, बाकी 16 कोर्स एफिशिएंसी कोर्स रहते हैं। और रही बात प्रोसेसर की, तो ये है सब AMD अच्छा मानते ही है। NVIDIA क्यों बेस्ट रहता है मैं आपको बताता हूँ। लोग NVIDIA का कई सालों से आ रहा है, लेकिन AMD जो 2018 के बाद में जो टेक्नोलॉजी लेके आई है,
जैसे कि RTX 3050 जो ग्राफिक कार्ड को AMD का 6600 जो ग्राफिक कार्ड है, अगर आप FPS के लेवल के में देखते हो आपको ऑलमोस्ट 20% हायर FPS आता है। आई मीन उसके अंदर 100 FPS आ रहा है तो इसमें 120 FPS आएगा इन ए प्राइस पॉइंट ऑफ 30% लेस। आई मीन जब गेमर आता है उसको जितना प्राइस दे रहे हैं उतना प्रोडक्ट मिलता है, जो चीज कंपटीटर ब्रांड में है नहीं, इसीलिए अभी भी AMD मार्केट सस्टेन कर रहा है। NVIDIA अभी भी लॉन्च किया है 4080 ग्राफिक कार्ड, अभी भी कोई कस्टमर उसके बारे में ज्यादा नहीं पूछ रहा है, सब वेट कर रहे हैं AMD 7900XTX का। रीजन इज ए $1000 परफॉर्मेंस ऑफ 30% हायर कंपेयर टू कंपटीटर ब्रांड। सो AMD टेक्नोलॉजी जितना प्रोवाइड कर रहा है उतना वर्थ होल ले रहा है। सो इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बताना चाहता। Thank you.